ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी राशि का ब्रह्म ज्ञान क्या है। ये ज्ञान आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता हो हमारा मकसद क्या है, हमें ये पता हो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें बहुत ही साधारण तरीके से ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो उस पूरी विषय पर आपको बात हम आज करने वाले हैं, और ये बातें जानने के बाद आपकी कई सारी शायद परेशानियां, कई सारी तकलीफें और कई बार जो मन की एक अशांति है उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो पूरी बातें क्या है पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और बातों को बिल्कुल समझें कि इन चीज़ों को हमें कैसे करना है। वीडियो को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ, चर्चा को थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मुझ पर आप पर कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है, या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे ज्ञान के ऊपर। सबसे पहला और मुख्य ज्ञान की बात है, वो है जप। जब सुनने और समझने में बहुत ही आसान लगता है, बहुत से लोगों का ये तर्क होता है कि जब करने से क्या होगा। देखिए, जब का जो विज्ञान है कि हमारे मन में एक साथ कई सारे प्रश्न चलते हैं। आपके मन को आप एक बार टटोल कर देखें तो उससे शायद आपको पता लग जाएगा कि एक समय में हमारे मन में, दिमाग में कितने विचार आते हैं। उन विचारों को थामने का सबसे आसान तरीका है मंत्र जप। जैसे ही आप कोई मंत्र जप के ऊपर अपना फोकस करते हैं, आपके विचार जितनी मात्रा में दिव्य गति से आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। हम जैसे जैसे मंत्र का जाप करने की ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, वैसे वैसे हमारे मन को, दिमाग को उस स्थिति में बसना आ जाता है, और उससे हमें हमारे आसपास के वातावरण में पॉजिटिविटी माहौल हो जाता है, हमारी वाणी, हमारा मन शांत रहता है, हमें चीज़ों की जो समझ है वो सामान्य व्यक्ति से एक अलग समझ आ जाती है, हम प्राकृतिक हो जाते हैं। हम बिल्कुल प्राकृतिक हैं, पर हमारी जो समझ, सोच, जितनी सारी चीज़ें हैं वो विशेष हो जाती हैं। ये उसका सामान्य प्रभाव है। ये केवल और केवल आप 7, 8, 10, 15 दिन जब करेंगे तब आप स्वयं ही मौन रहना शुरू हो जाएंगे, आप बहस करना बंद कर देंगे, आपके पास हल होगा हर समाधान का, आपका बुद्धि क्षमता जो सोचती है वो समाधान की तरफ सोचेगी, न कि कोई परेशानी की तरफ। तो ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है और ये उसका आपको अनुभव भी होगा। तो सबसे मुख्यतः बात, कोई मंत्र लें, कोई नहीं है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र लें और उसको कंटिन्यू जाप करें। ये एकदम चमत्कारी का दोस्तों, और इसके कई सारे फायदे हैं, आप खुद अपने निजी तौर पर अनुभव करेंगे। गायत्री मंत्र ले लें, महामृत्युंजय मंत्र ले लें, आपको जो अच्छा लगे वो मंत्र का आप जाप कंटिन्यू करना शुरू करें। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।